कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गेश जायसवाल और सबसे बड़ी बात यह मैं आज गणित के सिलेबस को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो इस समय मैं गणित की कुछ बेसिक और एक रणनीति के साथ आज मैं आपके सामने हुआ हूं। आज हम लोग जैसे अगर पढ़ना है मैसा और लसा, तो मैसा लसा को पढ़ने के लिए आज एक नई रणनीति आपके सामने लेकर आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी उस बात को समझेंगे और प्रयास करेंगे नहीं वास्तव में सही है या गलत है, ऐसा होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, इसी को लेकर हम आपके बीच आए हैं। देखिए, गणित अपने आप में एक बड़ा सिलेबस है। गणित में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और उनको पढ़ के और यूपीटीटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना काफ़ी टेढ़ी खीर सा प्रतीत होता है। इसलिए हमने क्या किया, गणित के जितने भी वीडियोस थे उससे हमने एक तरफ कर लिया और उसमें भी मैं आपको छाड़ के चैप्टर बाई चैप्टर, जैसा कि आपके यूपीटेट सीटेट के सिलेबस में दिया गया, उसे हम एक एक तरफ एक सिक्योर रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम यूपीटेट सीटेट की वीडियोज को लेकर जब आगे बढ़ेंगे तो एक कॉमन समस्या हमारे और आपके सामने आएगी। वो समस्या ये रहेगी, जाइए हम उस पर बात कर लेते हैं कि सभी स्लाइड हम आपको एक साथ दे देंगे, क्योंकि अभी जो कक्षाएं पीछे चली हैं उन सभी कक्षाओं की वीडियो हम आपको उपलब्ध करा दे रहे हैं। उन वीडियो को देखने के बाद एक बात तो आपका तय हो जाएगा कि आपको किसी अन्य जगह से कोई लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। फिर प्रश्न उठता है कि उसके बाद सर क्या करेंगे, क्योंकि अगर इस समय आपके पास कुछ दिन उल्टी गिनती चल रही है, कुछ दिन बचे हैं लगभग, जब हमारी वीडियो आपको मिलेगी लगभग 45 दिन आपकी परीक्षा में शेष रहेंगे और उस दौरान यूपीटीटी की परीक्षा में 45 दिन शेष है और लगभग 35 दिन आपके 35 दिन सीटेट के एग्जाम में समय बचा है, उस दौरान पढ़ने के लिए बड़ी उत्सुकता होती है। तो हमने क्या किया, सभी अध्याय को एक तरफ कर दिया। जैसे आज हम पहला अध्याय लेकर आए हैं कि आप एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम और एचसीएफ के हमने सभी वीडियोज एक तरफ कर दिए हैं। एक बार आप उन सभी वीडियोज को पूरा क्रम से देख लीजिएगा और कुछ वीडियो जो आपको क्या मिल जाएंगी वहाँ पे रिपीटेड मिल जाएंगी। तो एलसीएम और एचसीएफ जो वीडियो आप पूरी तरह से देख लेंगे, तैयार कर लेंगे स्लाइड बाय स्लाइड, तो उसका आपका एक फायदा ये होगा कि हम उसके तुरंत बाद आपको यूपीटीटी में सीटेट, बिहार टेट, उत्तराखंड जितने टीटी की परीक्षाएं हुई हैं उन सभी से अभी तक के पूछे गए प्रश्नों का संग्रह आपके बीच लेकर आएंगे और उस संग्रह के बाद हम क्या करेंगे, आपको इसे पूरी तरह से तैयार करा देंगे। तो एक फायदा ये हो जाएगा कि एलसीएम एचसीएफ की जो वीडियो हम 10 दिन तक पढ़ाते वो एक बार में आपको 4 से 5 घंटे की वीडियो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के पेपर जितने अभी पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद उसके तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ को जो हमने आपको नोट्स दिया है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। इससे क्या होगी, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाएगी और किसी प्रकार की कोई समस्या आपके पास नहीं रहेगी। क्योंकि आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया है तो ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करते साथ साथ आपको ये सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे। एक एक स्टेप, मतलब एक सिलेबस खत्म दूसरी टॉपिक, और एक दिन में एक टॉपिक उठाएंगे। और गणित के सिलेबस में जैसा कि आपको पता है मात्र 16 टॉपिक है, तो 16 दिन में हम पूरे अध्याय को समाप्त कर लेंगे और 16 दिन में आपको अपनी जिंदगी का बेहतर भी देना होगा। क्योंकि हम वीडियो आपको औसतन 5 घंटे की वीडियो देने का प्रयास करेंगे। अब ये नहीं है कि वीडियो 20 दिन पुराना है, सर पुराना, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ के जो रूल है, फॉर्मूले, जो मेरे ट्रिक है वो तो नहीं बदल पाएंगे। और गणित में समस्याएं सबके साथ होती है, मैंने एक दिन उठाया गणित का एक अध्याय पूरी तरह से खत्म, आपके पास 24 घंटे होते हैं एक दिन में, अगर 5 घंटे में गणित, 1 घंटा पर्यावरण, 2 घंटे अन्य सब्जेक्ट देंगे तो आसानी से आप परीक्षा उत्तीर्ण की तरफ बढ़ जाएंगे। इसलिए एलसीएम एचसीएफ को अभी आपको कुछ देर के बाद लंबे स्लाइड में आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगी, एक एक क्रम से आप देख लीजिएगा। फिर हम रात से प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्नों को भी लेकर आपके सामने आएंगे और फिर वहाँ सॉल्व करेंगे ताकि किसी प्रकार कोई समस्या ना रहे। और अगर आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया, आप क्लास ज्वाइन की तभी आपको वीडियो मिल पाएगी, उसके लिए 6306344367 और ऑनलाइन क्लास नोट सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। क्योंकि समय कम होने की वजह से हम इस रणनीति के तहत नहीं चलेंगे, हमारे और आपके साथ दोनों के साथ समस्याएं जन्म ले लेंगी। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने एलसीएम एचसीएफ में पूरा यह प्रयास किया गया, हर एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया, क्योंकि जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो हम हर एक ट्रिक का यूज करेंगे। तो अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन करके रखे हैं तो इसके लिए आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। और हाँ, एलसीएम से पहले आपको रूल ऑफ डिजिबिलिटी देंगे, उसको भी पढ़ लीजिएगा। रूल ऑफ डिजिबिलिटी के बाद जब एलसीएम से पढ़ेंगे शायद आपके लिए काफ़ी सरल हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है।